यहाँ आई लव नंदन कनन लिखा है, देखिए। फोटो खींचने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग। दोस्तों अभी मैं दो ऐसा बार्ड दिखाने जा रहा हूँ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बार्ड जो कि ऑस्ट्रिच बार्ड से माना जाता है। इधर एक है और उस तरफ है। दोस्तों ऑस्ट्रिच बार्ड इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में शुतुरमुर्ग कहा जाता है। दोस्तों इस पक्षी का आमतौर पर देखने को मिल जाएगा अफ्रीका में। दोस्तों इस बार्ड को आमतौर पर देखने के लिए अफ्रीका जाना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा एमो बार्ड, ये देखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रिच बार्ड का छोटा भाई से माना जाता है। उसी तरह दोस्तों एमो बार्ड अफ्रीका में देखने को नहीं मिलता, वो देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, वहीं पे देखने को मिल जाएगा, वो भी खुले आम पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस पक्षी एक घंटा में 50 किलोमीटर दूरी भाग सकता है। दोस्तों ऑस्ट्रिच बार्ड एक घंटा में 70 किलोमीटर भाग सकता है, इसीलिए ये दोनों को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बार्ड कहा जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इसके बाद ये हर तरह का सब बार्ड्स दिखाया जाता है। हाँ थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ आपको। दोस्तों ये बार्ड्स पानी का किनारा पे ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनका खाना जो है पानी का अंदर ही मिलता है, जैसा कि मछली एक इनका खाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्या क्या दिखने को मिलता है। रेप्टाइल स्क्वायर है, एक कांजिया लेक है और ये बोटिंग है उस तरफ। अगर इस तरफ जाओगे तो ये सांप वांप ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, और अगर इस तरफ जाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ एक बड़ा सा लेक है। ये बहुत ही अच्छा है, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। और बोटिंग के लिए यहाँ बोटिंग के लिए लाइन लगा हुआ है। अगर आप लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं तो उधर टिकट करके उधर जा सकते हैं, तो मैं नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला है इसलिए बोटिंग नहीं करना चाहता हूं। देखिए पूरा सेफ्टी का साथ बोटिंग के लिए जा रहे हैं, पूरा आनंद मिल जाएगा यहां। ठीक है फ्रेंड्स, आप तक के लिए बाय बाय, और देखने के मिलेगा दूसरे वीडियो में।